सुबह के बज रहे जनाब 5 और हमारे साहब वो खड़े हैं। अब हमारी जर्नी स्टार्ट हो रही है और व्लॉग के साथ साथ आपको पता चलेगा कि हम किधर जा रहे हैं, तो स्टे ट्यून्ड विद अस आखिर तक। शुक्रिया। ये हालत तो एक्सपेक्ट नहीं किए थे हम बे। अरे वाह वाह, हम इस टाइम खड़े हैं जी कैरेट कॉलेज जेलम के पास। बस मंजिल के पास पहुंचने लगे हैं। ले जी हम पहुंच गए जी खान कुरानो सुन्नत रिसर्च एकेडमी इंजीनियर साहब के पास। इंतजार कर रहे हैं इंजीनियर साहब का, बस टाइम कोई थोड़ा थोड़ा फीट लगे सेशन शुरू होगा, उसके बाद हम जो है ना उनको सुनेंगे आपके साथ भी शेयर करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, हमारा सफर आज ख़त्म हुआ, लेक्चर ख़त्म हो गया, अब हम वापसी की तरफ रवाना हुआ। सफ़र हमारा शुरू हो रहा है जी वापसी की तरफ, किला रोहतास। रोहतास जी, इंजीनियर साहब से मिलने के बाद हमारा अगला जो हमारी मंजिल थी वो क्या थी भला, आपको दिखाते हैं 1 2 3 है किला रोहतास। अभी हम ये खड़े अभी पहुँचे और आपको जो है ना अंदर से विजिट कराते हैं, तो हमारे साथ बने रहे हैं। अच्छा खड़े हमारे साथ, हम खड़े हैं जी फांसी घाट किला रोहतास पे। फांसी घाट उस जगह को कहते हैं जहाँ पे फांसी दी जाती थी मुजरिमान को, और यहाँ से आप व्यू चेक करें, किला बहुत फैला हुआ है वसी रकबे पे। और क्या है बाकी नाम वगैरह की डिटेल जो है ना वो साथ हम आपको मेंशन कर देंगे। ये देखें व्यू चेक करें और ये देखें फांसी घाट की जगह जहाँ से तख्ता हटता था और बंदा नीचे। जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत ही जो है ना वसी पैमाने पे फैला हुआ है किला है। हम तो थक गए और प्यास भी बड़ी लग गई हुई है, काश मैं भी महाराज होता मेरी भी रानियाँ होती, खैर चलो नहीं हो सका। अच्छा जी, तो ये हम चले वापस ये कुछ अपनी हसीन यादें छोड़ते हुए। ये क्या फोकस, हाँ फोकस हो गया। फिर कभी आएंगे, वेलकम किला रोहतास। हमार भी है तो हमारे वैसे तो साइड पर जब तेरा मुँह आ रहा है, और ये यहाँ से जो देखा होगा तेल शेर गोले शेर फेंकते थे ना सैनिक, वो चक्कर है। इस किले की खुशकिस्मती थी कि मैं इधर आया हूँ। हाँ, इस किले की खुशकिस्मती थी कि मलक साहब और हमारे साहब ने इसको ज़ियाफ़त बख्शी है, और वो नीचे बकरी का मेमना, वो बकरी का मेमना बकरी का ही होता है भाई। कब तक खैर मनाएगा, कुर्बानी आने वाली है उसका भी मामला चलेगा। बहरहाल बहरहाल लॉगिंग भी हो रही है इधर नीचे किसी और की, मजबूत डिस्टर्ब करते हैं उनको भी। हमारा जलालत और ख्वारी का जो है ना मकसद यही है
पाकिस्तान की खूबसूरती को आगे बढ़ाएं और अमन का पैगाम देते रहें, नफरतों को मिटाएं और जो है ना सांस फूली हुई है। वारे पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी कौम जो है ना जहाँ भी जाती है अपने निशान छोड़ के जाती है, देख सकते हैं सामने। आपने अगर इतनी ऊंचाई का मज़ा लेना है तो हबीबी कम टू किला रोहता, बीवी होती तो उसे यहाँ से आके धक्का दे देता। सैड लाइफ। जैसा कि आप देख सकते हैं व्लॉगिंग की दुनिया में हम आ गए हैं, तो जैसा कि अली भाई कहते हैं, फिरकों की दुकानें बंद, डैमेज हैज बीन डन। राहिल भाई क्या कर रहे हो यार? ये मैं मिसेज को महल दिखा रहा हूँ। मिसेज कौन सी मिसेज भाई? हैं? टूटा हुआ साज हूँ मैं खुद से ही। हाँ, झेलम में अली भाई से मिलने के बाद हमने किला रोहतास घूमा और उसके बाद हम अब वापसी की तरफ गामजन हैं और जहाँ हम पहुँचे हैं दीना, और काफ़ी इंतजार के बाद हमें एक होटल मिला है जहाँ पे अब जो है ना खाना शाना खाएंगे, उसके बाद फिर देखते हैं फिर रास्ते में क्या क्या नज़र आता है और क्या क्या आपको दिखाया जाए। दीना से निकलने के बाद हमने शहर से बाहर एक ये मस्जिद है, यहाँ पे हमने नमाज अदा की है और अब हम अपनी मंजिल कोट की तरफ गामजन है। हाँ, मैंने रास्ते में चश्मे भी लिए, अच्छे लग रहे हैं। मैं हूँ ही बहुत प्यारा जी, सन ख़त्म है मुझ पर। चलें मिलते हैं थोड़ी सी ब्रेक के बाद। गन्ना गन्ने से जूस निकालने का तरीका, सबसे पहले अपने गन्ना खरीदने हैं, ये मशीन खरीदनी है, फिर ऐसे ये गन्ना मशीन के अंदर डाल देना है। अच्छा, ये हम वापसी के रास्ते पे थे तो हमने ना ये ना एक देखा बरगद का, ये देखें जिम भी खड़ा है नीचे हमारा नाम का ऊपर, ये बरगद का देखें। रवा दवा है, बारिश ने हमारा भरपूर इस्तकबाल किया, रास्ते में कहूडा में आवासीय होटल पे हमने थोड़ी देर स्टे की, थोड़ा आराम किया ताकि बारिश भी रुक जाए और हमें भी कुछ सुकून मिले, उसके बाद अगला सफर जारी शुरू किया जाए। और आप देखें हम चल पड़े और मिलते मंजिल पे पहुंच के। शुक्रिया। हाँ, बस हम पहुंचने लगे हैं रावलाकोट वापस, 40 की स्पीड से चल रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता नज़ारे देखते देखते। वो बाहर आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन है, ऐसे पेश कर रही हैं रोशनियाँ। और बस आज की हमारी जर्नी यहीं पे ख़त्म हो रही है। ये देखिए इस्लामाबाद खिल पाए हैं, तो चले इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, और अपनी राय और अपने जो कीमती राय है वो अपने कमेंट्स में देनी है और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना है कि हमारी वीडियो कैसी लगी आपको। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।